सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज हम लखनऊ में हैं और थोड़ा सा काम है तो वो हम लोग थोड़ा निपटाएंगे। हमारी यहाँ पे हेज़ल खड़ी हुई है, हेज़ल पे बैठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे भाई कुछ अपने बता रहे हैं हम लोग अपने बारे में, शायद कुछ दे रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल है कुछ होगा ऐसी। और संडे वाले दिन अगर आप इधावल से आ रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि इधावल से ना, क्योंकि संडे वाले दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि बाज़ार रहती है बेसिकली यहाँ पर। यहाँ पे जो है चौक में सबसे बड़ी हब होती है मेडिसिंस की, यहाँ से कोई भी मेडिसिन आप किसी टाइम भी ले सकते हैं, यहाँ के 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है यहाँ पे। ये पूरा हब है यहाँ पे, चौक मेडिकल चौराहा कहा जाता है ये। और साथ ही साथ इधावल अगर चले जाएंगे तो आपको इदरीस की बिरयानी ये सब यहाँ मिल जाता है, इसी साइड इधावल हम जा रहे हैं। और कभी भी आप अगर नखास आ रहे हैं तो इस साइड गाड़ी कभी पार्क ना करें, क्योंकि इधावल चलान कट जाता है फ़ौरन। तो सो अब हमें यहाँ पर थोड़ा काम है तो हम अपना यहाँ पर थोड़ा स्टे लेंगे। तो गाइस हमारा जो काम था वो हो गया है, अब यहाँ से निकलेंगे। सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, वो यहाँ से निकल के चलना है अब हम लोग को, जो आगे काम था उसको निपटाने के लिए। तो फुल प्रॉपरली एकदम हम लोग कर लें अपना सेटअप, जैसे कुछ रास्ते में ख़राबी ना आए, आराम से निकाल लें बाइक। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से, थोड़ा रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो जाएंगे रास्ते में। यहाँ पर ये सब पशु बाज़ार शायद हमारे ख्याल से, ये भी यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, मुर्गी उर्गी सब, नबहन वहन जितने भी खरगोश के बच्चे अच्छे सब हैं यहाँ पे। यहीं पे जो है नखास का पुलिस थाना आ गया है, ये देख सकते हैं पुलिस स्टेशन है यहाँ पे पूरा, कोतवाली वाला नाम नहीं सही पढ़ पाया मैं सही से, वो पता हो सकता आया हो कि ना आया हो, पता नहीं मुझे। उसके बाद हम अपनी नानी के घर भी जाएंगे, थोड़ा वहाँ भी काम है हमें। बाइक में अपना निकालते चले आइए आराम से, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाइक भी लिमिट पर चलाइए ताकि जो है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और गाइस हमेशा की तरह फुल सेफ्टी के साथ चलाइए, शूज़ प्रॉपर एकदम, ग्लव्स और अपना हेलमेट, हेलमेट सब पहन के। ये है यहाँ पे द वुड्स ऐशबाग करके कोई जगह है, ये यहाँ पे बेहतरीन फ्लैट्स आप लोग अपना आके रुक सकते हैं। वुड्स का काम यहाँ पे मेन होता है, हर तरीके की आपको यहाँ पे वुड्स मिल सकती हैं, जो भी जैसा भी आप डिमांड करना चाहें। और बेसिकली यही कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो, और अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो उससे भी थोड़ा आप बच सकते हैं, टैनिंग नहीं होगी आपके उससे, क्योंकि गाइस अगर आप लोग नहीं हेल्प करेंगे हम लोग की तो गाइस कौन करेगा हेल्प। तो ये है सीएमएस की ब्रांच, राजेंद्र नगर ब्रांच है सीएमएस की। और अब हम अपना लैपटॉप लेके निकल चुके हैं, बेसिकली हम लोग लैपटॉप लेने आएंगे आए थे वहाँ पे, जो हम लोग को काम था लैपटॉप लेने का था। ये जो पुल बनाया है आपका, ये आपको नखास पूरा पार करा देता है पूरा, और है दफा निकलता है बलिंटन चौराहे पर। नीचे असल में बहुत जाम लगता था पहले जब ये पुल नहीं था, अब ये पुल बनने के बाद से जाम कम हो गया। और एक चीज़ और बता दूं आप लोग को, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं इस पुल से तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, कि डोर जो होती है पतंग की वो हमेशा निकलती रहती है, तो हमेशा ध्यान करके इस साइड चलाइए गाड़ी, क्योंकि इधर वाले बहुत ही कम चांस रहते हैं कि डोर आके लपेट सकती है। तो गाइस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि नखास वाले पुल के ऊपर अगर आप चढ़ रहे हैं तो हमेशा लेफ़्ट साइड गाड़ी चलाएं, और अगर आप रिटर्न मार रहे हैं तो हमेशा राइट साइड में गाड़ी उस तरफ चलाएं, क्योंकि इधर वाले दोनों तरफ बैरिकेड है तो हो सकता है डोर ना आए। यूँ अगर आप बीच में चलाएँगे तो उसमें चांसेस हैं कि आपके वो पड़ जाए डोर। और एज़ यूजल अगर आप हेलमेट पहन के चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसी के थोड़ा आगे यानी कि ये यहाँ पर हमारे मामू की दुकान है लखनऊ डीजल करके, यहाँ पर अगर आपको अपनी कार रिलेटेड कोई भी इशू आ रही हो पिस्टन स्टैंड पे तो आप आइए, हमारे मामू की दुकान है, आपके कौन से अपना ठीक कराइए, अच्छी तरीके से एकदम सर्विस मिलेगी और जेन्युइन एकदम सर्विस मिलेगी। अक्सर जब है लोग आते हैं यहाँ पे अपना काम कराते हैं आके, तो उनको जब है अच्छी एकदम मिलती है जेन्युइन सर्विस, और रेटिंग भी अच्छी है मामू की, हमारे बेहतरीन काम करते हैं। यहाँ से लेंगे अब हम लेफ़्ट, क्योंकि और ये रिक्शे वाले यहीं बीच में खड़े करते हैं, पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है, रोड बन गई है भाई साइड में खड़ी करो, लेकिन नहीं इनको तो बीच सड़क पे खड़ी करनी है। अब आप लोग देख सकते हैं ये लोग आ गए हैं, इधर वाला लाटेश रोड कहलाता है यहाँ पे,
ये जगह जो है बेसिकली यहाँ पे हार्डवेयर का सामान मिलता है, जैसे कि बाथरूम में जो स्ट्रिंग विंग लगते हैं, या फिर जो है कोई भी टैप है वो सनफ्लेम के यहाँ पे आपको वो मिल जाते हैं, बर्नर वर्नर सब मिल जाते हैं। बेसिकली ये प्रॉपर एरिया जो आपका है वो हार्डवेयर की शॉप्स के लिए फेमस है। यहाँ पे आप आइए, आपको हर तरीके का हार्डवेयर मिलेगा। और यहीं पे एक आगे स्कूल पड़ता हुआ है, कॉलेज है मेरे ख्याल से उसको, हमारा ख्याल से उसका नाम मैं भी शायद भूल रहा हूँ, अभी देखता हूँ क्या नाम है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितने एक से एक हार्डवेयर की दुकान यहाँ पे है हर तरीके की। और हम लोग को लेना है अंदर, क्योंकि यहाँ से ये मलका गेटी फाटक कहलाता है, मलका गेटी फाटक। यहाँ से जब आप अंदर निकल के जाएंगे तो आप आराम से अपना जा सकते हैं, जाम वाम से बच जाएंगे। उधर थोड़ी रोड भी ख़राब है इसलिए मुझे बल से आ गए जी बाबू। वाह क्या आवाज़ आई है। असल में हम लोग जा रहे हैं अपनी कोचिंग की ओर। यहाँ पे एक है नदीम खान कॉमर्स क्लासेस, तो नदीम सर जो हैं बहुत शानदार कॉमर्स पढ़ाते हैं, और मैंने भी अपनी कोचिंग यहीं से करी है और ट्वेल्थ में बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुआ था। ऑल थैंक्स टू नदीम सर, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझ पर ध्यान दिया, जो मेरी वीकनेस थी उन्होंने उस पर फोकस करा ज़्यादा, ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास कर सकूँ। और बस यहीं पर आगे है ये आपका एरिया पड़ता है मॉडल हाउस लाटोश रोड पे, आप किसी से भी पूछ लीजिए आके नदीम खान कॉमर्स क्लासेस, तो आपको बता देगा कि कहाँ पे जाना है। जैसे कि हम लोग यहाँ रुकेंगे और वो लगा है सामने बोर्ड। इसी के साथ हम अपनी व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर यूट्यूब चैनल।